दिव्य हिमाचल कांगड़ा न्यूज ब्रॉट टू यू बाय विरमानी स्किन केयर नगरोटा बगवा कांगड़ा, जहां आपको मिलेगा अपनी त्वचा से जुड़ी हर समस्या का समाधान। अपने शरीर के अनचाहे बाल हटाना या झड़ते बालों का रोकना, चिकन पॉक्स, मुहासे, सर्जरी के बाद के निशान, इनका बेहतरीन ढंग से इलाज। डॉक्टर मल्लिका अरोड़ा MBBS MD स्किन अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं के निदान के लिए आज ही मिलिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को कांगड़ा जिला के कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला में महंगाई वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गांधी वाटिका में धरना दिया। इस मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार को झूठ बोलने वाली और जनता से छल करने वाली व ठगने वाली सरकार बताया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि करके महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि तेल कीमतों में वृद्धि के कारण यहां शिक्षा महंगी हो गई है, वहीं अन्य वस्तुओं पर भी तेल कीमतों का भारी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में कमी नहीं हुई तो कांग्रेस अपना आंदोलन और तेज करेगी। इस मौके पर विधायक पवन काजल, पूर्व CPS जगजीवन पाल, पूर्व विधायक संजय रतन, पूर्व विधायक किशोरी लाल, पूर्व विधायक बौद्धराज, कांग्रेस प्रवक्ता केवल पठानिया, पूर्व विधायक यादविंदर गोमा सहित कांग्रेस युवा, कांग्रेस NSUI रोहित सभी सहयोगी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में बंद का खासा असर रहा। निजी बसें नहीं चली और बाजार भी दोपहर तक बंद रहे। कांगड़ा के विधायक पवन काजल जी हमारे साथ हैं। पवन जी, कैसे देखते हैं आप महंगाई को, किस तरह से कांग्रेस विरोध कर ठगा था कि मैं जब भी मैं कांग्रेस में सरकार बनाऊंगा तो पहले जो सिलेंडर जो जब 400 के लगभग था, आज लाख 900 के लगभग था, और सदी जो पूरे लोगों को जो ठगा महसूस किया था, लोग उसके बहकावे में जो आए थे, उन्होंने कहा था जो विदेशों में काला धन जमा है उसको मैं छः महीने के अंदर अंदर जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का होगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों का होगा, उसको विदेशों से ला कर मैं जो जनधन योजना के तहत जो 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में डालूंगा। एक तो सबसे बड़ा झूठ ये बोला था, और दूसरा जो उन्होंने केस जब आपको पता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारत बंद का नारा दिया है, और आज के जो पेट्रोल और डीजल और महंगाई की जो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है उसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस तरह से विरोध जता रहे हैं और क्या आगे रणनीति रहेगी कांग्रेस? देखिए, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने का ये संदेश था कि हम लोग जो है आज पेट्रोल वृद्धि और जो हमारी रोज़मर्रा की जरूरत की चीज़ें हैं उनके मूल्य में बढ़ती हुई वृद्धि को लेकर के अपने अपने जो ज़िले हैं उनके अंदर बंद का आह्वान करें। इसके चलते आज कांगड़ा में हमारे जो सभी चुने हुए विधायक हैं या जो लोग चुनाव हारे हैं उनके जो ब्लॉक अध्यक्ष और बाकी कार्यकारिणी है वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम कर रही है, और जो शीर्ष नेता हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। शांतिपूर्वक इस बंद का आह्वान किया गया है, और ये हाईकमान के भी निर्देश हैं कि कोई रोल बोर्ड और किसी प्रकार के कोई स्कूली बच्चों या मरीजों को दिक्कत न इसमें आए। आज जो हमारा कोतवाली बाज़ार है ये सोमवार को वैसे ही बंद रहता है, लेकिन चेरी अड्डा, लाड़ी और ये बाकी के जो बाज़ार थे उसके भी हमने निवेदन किया था, सुबह उन्होंने इनको 3 घंटे के लिए बंद रखा है। इसके लिए मैं सभी जो हमारे डिपार्टमेंटों के अध्यक्ष हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। धर्मशाला के सारे जो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं और बाकी लोग हैं वो भी इधर आए हैं, उन्होंने भी बंद का समर्थन किया है, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने समर्थन किया है, तो सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। जनता के अंदर आज ये एक आक्रोश है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, जो कि आने वाले 2019 के चुनाव में दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो चीफ पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट।